हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। माय नेम इज़ गुणेश शर्मा और जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, जो शुरू वाले जो अपन ने दो वीडियोस में जो सीखा, जो स्टैटिक जीके के जो टॉपिक थे वो पहले दो वीडियो में अपन ने देखा कैपिटल करेंसी इनके बारे में। उसके बाद में अपन ने सेकेंड वाले वीडियो में देखा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स। और आज हम जो तीसरे वाले वीडियो में जो सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं वो होगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टैटिक जीके के अंदर ये जो टॉपिक है इनिशियली इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना आए, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना आए, इसमें से क्वेश्चन ना आ पाए, और पॉसिबिलिटी इसमें से भी है। लेकिन जो ये शुरू के जो चार टॉपिक हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और साथ में न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको कवर अप करना और अच्छे से करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, आज हम जो इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमारा होगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और साथ में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बहुत सारे बायोस्फीयर, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उसके बाद नेशनल पार्क है 103, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहुत सारी। तो सभी को याद करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पहले वाले वीडियो में, करेंसी कैपिटल कंट्री वाले वीडियो में, कि सभी को याद करना फिजिबल नहीं है। इसीलिए ज़रूरी हो है हमारे लिए कि इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ही याद किया जाए, या इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना जाए, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इसको याद करने के आपके पास शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, लेकिन भरोसा रखिए ये वीडियो आप एक या दो बार देखिए, आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो बायोस्फीयर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो। जैसे कि अगर पेरियार नाम आता है तो सिंपल सी बात है, नेशनल पार्क हो चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, दोनों केरला में ही है। तो बायोस्फीयर रिजर्व से ही आपको आधी चीजें नेशनल पार्क की याद हो जाएगी, और नेशनल पार्क की आधी चीजें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से याद हो जाएगी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो सिर्फ इतना है, किसी नाम को किसी स्टेट के साथ जोड़ के देखिए, और इट ऑटोमेटिकली आपको बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी याद हो जाएगा। तो आज हम जो इस टॉपिक को कवर करेंगे, मैंने आपको बताया नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को करेंगे, सभी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, सभी पेपर के लिए इक्वल एंड इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्टैटिक्स जीके के अगर सवाल आएंगे, 5 आएंगे को सवाल, तो उसमें से एक इस पे से आएगा। बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक है पेपर बनाने वालों का। तो सबसे पहले, लेकिन हमें ये सब पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि देश में, किसी भी देश में ये सब बनाने का मतलब क्या है। अगर किसी देश में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व ये ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है, अगर फॉरेस्ट ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसको बनाने का अपना एम क्या है, और उस एम के पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, गवर्नमेंट क्यों इस पर इतना फोकस करती है, क्यों इतने रिसोर्सेज, इतना पैसा इनके ऊपर लगाया जाता है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो एम है ना बायोस्फीयर रिजर्व का, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, नेशनल पार्क का, वो है टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ये देखिए, टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंट, पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबका मोटिव यही है, इसका एम जो है कि अपन को वाइल्ड लाइफ को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ये लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हर किसी का राइट है, राइट टू हैव हेल्दी इन्वायरमेंट, ओके, जो कि अपने फंडामेंटल राइट 12 से लेकर जो 35 आर्टिकल है उसके बीच में 21 है, राइट टू लाइफ बोलते हैं इसको, राइट टू हैव हेल्दी इन्वायरमेंट। तो जो चीज अपने संविधान में होती है उसको फॉलो करना गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट जो अपना एम है वो इसीलिए यही है, इन्वायरमेंट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक्सटेंट अपन नहीं चाहते कि ये सब एक्सटेंट हो जाए, दुनिया से चले जाए, तो संविधान में इन सबको लेके प्रावधान बने हुए हैं, अपने अपने लॉ बने हुए हैं जिसको लेके इनको ये काम करना ही पड़ता है। जैसे अगर आप पार्ट 4 देखेंगे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 है।
इसके अंदर आर्टिकल 48 भी बोलता है कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री होना चाहिए, 48A बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों को फॉलो करना। अगर आप बड़े पेपर कोई अगर आप यूपीएससी के पेपर देंगे तो उनमें ये सवाल पूछ लेते हैं, हालांकि बाकी में नहीं पूछते एसएससी या फिर उनमें, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सामने जो पेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो कि आपको माननी पड़ती है, अपनानी पड़ती है, जैसे कि 51G बोलता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपके लिए कोई ये ड्यूटी है ये आपकी, ठीक है। तो आप इसी को समझिए कि ये अपनी ड्यूटी है हर एक सिटीजन की भारत के, कि अपन को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और साथ में उसका ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखिए टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, शुरू से पहले अपन ये सब पढ़ने से पहले ये सब अपन क्यों जान रहे हैं, देखिए फ्रेंड कुछ भी पढ़ने से पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका बेसिक जान लेना बहुत जरूरी है कि ये क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। इसलिए पहले मैं आपको बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ कि अपने इसको क्यों बनाया गया है, इसको बनाने के पीछे मोटिव क्या है, कौन कौन से लॉ हैं, एक या दो लॉ जो मैंने आपको अभी आपको बताया, यही इन्हीं की वजह से इन्वायरमेंट को बढ़ावा देना अपने लिए जरूरी है, ठीक है। वैसे ही एक तीसरा सवाल देखिए, कई बार पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कौन सी लिस्ट में है। देखिए तीन तरह की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंटर, एक कॉन्करेंट। जो जो टॉपिक स्टेट लिस्ट में होते हैं उनमें स्टेट के पास ज्यादा पावर होती है उसको बदलने की, जो जो टॉपिक सेंटर में होते हैं उसके पास सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे कि रेलवेज, रेलवेज को जो भी बदलाव आएंगे वो स्टेट कुछ नहीं करेगा उसमें, सेंटर के पास उसका ज्यादा पावर है। वैसे ही एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसके अंदर दोनों के पास पावर्स होती है लेकिन सेंटर के पास ज्यादा होती है। तो इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ ये जो टॉपिक है ये कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है आपके लिए, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये टॉपिक। और उसके बाद में जब अपन देखेंगे कि तीनों चीजें रिलेटेड है, जैसे कि अगर आप इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी एक ही बात है, फॉरेस्ट जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट बढ़ाएंगे तभी वाइल्ड लाइफ बढ़ेगी अपनी। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है, ये फॉरेस्ट क्या होता है, अगर किसी जगह पे 10-15 या 100-150 पेड़ हैं तो क्या अपन उसको फॉरेस्ट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि जो फॉरेस्ट की एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये होती है कि जब टोटल कैनोपी कवरेज किसी टोटल एरिया का 10% या उससे ज्यादा हो तब उसको अपन फॉरेस्ट बोलते हैं, तब अपन उसको फॉरेस्ट नाम देते हैं। ये देखिए कैनोपी क्या होती है, जिस पेड़ में जो छाव आती है उसके जो भी शेडो है वो कहाँ तक जाती है, ये अगर मैं इस पेड़ की बात करूँ तो इसकी शेडो यहाँ नीचे तक जा रही है, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनोपी एरिया। ये देखिए एक पेड़ की अगर ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया से 10% या ज़्यादा हो तब उसको अपन बोलेंगे ये फॉरेस्ट है, ठीक है। ये अपन ने सैंपल लिया 1 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर अगर अपन देख लें, ठीक है, जो कि 1×10^4 मीटर के इक्विवेलेंट होता है, तो इसके एरिया की अगर अपन ने लिया और यहाँ पे कैनोपी एरिया, ये जो कैनोपी एरिया है जो पेड़ की छाँव वाला एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 10% या उससे ज़्यादा हो तब उसको बोलेंगे फॉरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अगर अपनी स्टेट एक अगर अपनी रिपोर्ट देखी जाए भारत में कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है जो कि पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में इसका हेड ऑफिस, तो देखेंगे अपन कि हर 2 साल में ये रिपोर्ट आती है। तो 2015 में अपना जो फॉरेस्ट कवर है वो 24.16% है, ठीक है, 24.16 जो कि पहले 22 था, इससे पिछली वाली रिपोर्ट में 24.16% हो गया है अभी, यानी कि अपना फॉरेस्ट कवर बड़ा है और अपना एम है इसको ले जाने के लिए 33% का। किसी भी देश में अगर इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना है या उसको बढ़िया रखना है अपने सिटीजन के लिए तो कम से कम 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, क्योंकि वहां पे उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन लेवल होएगा, आपको बाकी रिसोर्सेज मिलेंगे, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होगा। तो 33% अपना एम है इसको ले जाने का, किसी भी देश में 33% होना चाहिए,
अपना इस वक्त 24.16% है, ये करंट डेटा है। और ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि इंडिया में फॉरेस्ट कवर कितना है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट 2015, बताइए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 24.16%। उससे पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 22.76 था, ठीक है। तो पिछले वाले का नहीं पूछते कभी भी, लेटेस्ट का पूछते हैं। और अभी अपने पास जो लेटेस्ट है वो 2015 की रिपोर्ट है, 2017 की नहीं आई है अभी, ठीक है, जो कि है 24.16%। अब देखिए कि अपन तीन वर्ड का नाम सुनते हैं अक्सर, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बहुत कॉमन वर्ड है, हर बच्चा इनको पढ़ना भी चाहता है, हर कोई इसको एग्जाम में सॉल्व इसके आंसर भी सही करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। तीन अलग अलग वर्ड हैं, कई बार ऐसा लगता है कि तीनों एक जैसे लगते हैं अपन को, ये भी एक कि मान लेते हैं कि हाँ तीनों एक जैसे हैं, लेकिन सही बात यह है कि तीनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, तीनों में डिफरेंसेस हैं। तो अपने लिए जरूरी है ये जानना कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व बड़ा होता है, नेशनल पार्क बड़ा होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बड़ी होती है, या यहाँ पे कौन से काम होते हैं, इनमें अंतर क्या है। तो देखेंगे अपन पहला कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। बायोस्फीयर रिजर्व इन तीनों में सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर अपन देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नेशनल पार्क और उससे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जो काम होते हैं वो सबका प्रोटेक्शन होता है, कंप्लीट प्रोटेक्शन, जैसे एनिमल का भी, प्लांट का भी, फ्लोरा एंड फ्यूना जो अपन बोलते हैं, माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स का भी या लैंडस्केपिंग का भी, सभी को बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में ऐसा नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में सिर्फ एनिमल स्पेसिफिक होते हैं, एनिमल मान लीजिए या फिर कोई बर्ड स्पेसिफिक मान लीजिए, ठीक है, यानी कि ये एक ही चीज को लेके स्पेसिफिक होते हैं, इनमें प्लांट का, माइक्रोबियल का, इन सब का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है। पहला अंतर ये बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। दूसरा जो डिफरेंस है वो है बायोस्फीयर रिजर्व को है ना सेंटर डिक्लेयर करता है और उसको चलाता है स्टेट। दूसरा नेशनल पार्क में भी सेम है, इसको भी सेंटर डिक्लेयर करता है और जो मैनेज करता है, जो चलाता है वो स्टेट चलाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दोनों ही स्टेट डिपेंडेंट है, स्टेट ही इसको डिक्लेयर करता है और स्टेट ही इसको चलाता है। फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर में अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी है तो वो स्टेट बना सकता है, इसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन अगर वो नेशनल पार्क बनाना चाहे तो नहीं है हो सकता, क्योंकि अगर नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए सेंटर की डिक्लेरेशन की जरूरत पड़ेगी। सेंटर ने अगर डिक्लेयर कर दिया तभी स्टेट उसको बना पाएगा और मैनेज कर पाएगा, मैनेज करने का काम हमेशा स्टेट का है, ठीक है, ये दूसरा अंतर है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व में तीन तरह की जोन होती है, कोर, बफर और ट्रांजिशन, तीन तरह की जोन में डिवाइड होता है। तो डिपेंड करता है आप कौन से जोन में हो, उतनी ही आपको छूट दी जाती है। पढ़ेंगे अभी अपन आगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में टोटली पढ़ेंगे। अगला देखिए नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये बहुत अंतर है कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा बहुत लिटिल ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड होती है, वुड के लिए, टिम्बर के लिए, ठीक है। तो अगर आप रिस्ट्रिक्शन के तौर पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है नेशनल पार्क में, ठीक है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में दो जोन में जाना दिया जाता है लेकिन कोर में नहीं जाने दिया जाता, और सबसे कम रिस्ट्रिक्शन होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है, थोड़ी बहुत अलाउ होती है, जितना वाइल्ड लाइफ को नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्शन का लेवल है, रिस्ट्रिक्शन का। हालांकि पेपर में ये सब नहीं पूछते हैं कि रिस्ट्रिक्शन के तौर पर देखा जाए, लेकिन ये जरूर पूछ लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होती है कि नहीं होती है, इसको मैनेज कौन करता है, डिक्लेयर कौन करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए जरूरी है, तो तीनों का डिफरेंस जान लेना। बायोस्फीयर रिजर्व में सभी को प्रोटेक्शन मिलेगी, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एनिमल या फिर बर्ड स्पेसिफिक ही हो जाएगा। डिक्लेयर सेंटर जो दोनों बड़ी क्वांटिटीज हैं, यानी कि नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, दोनों को सेंटर डिक्लेयर करेगा और मैनेज
स्टेट करेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को स्टेट ही डिक्लेयर कर सकता है और स्टेट ही बना सकता है, मैनेज भी करेगा। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं होगी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिटिल ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ होगी, और बायोस्फीयर रिजर्व में 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके उसकी एक्टिविटीज का लेवल घटाया जाएगा। देखिए पहला जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे अब वो होगा बायोस्फीयर रिजर्व। अब अगर अपन तीनों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी जो अपनी नेशनल पार्क है वो स्टेट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे बाद में। तो सबसे पहले देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का आपके सामने एक डायग्राम आ रहा है, ये वही डायग्राम है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। पहला पहला जो जोन है वो है ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में सबसे बड़ा होता है नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। एक बायोस्फीयर रिजर्व में कई नेशनल पार्क हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है तो सबसे ऊपर ट्रांजिशन जोन है, सबसे पहले ट्रांजिशन जो एरिया आएगा, इसके अंदर ह्यूमन सेटलमेंट अलाउ होता है। दूसरे वाले में थोड़ा सा अलाउ होता है, थोड़ा सा आपको रिस्ट्रिक्शन होता है, और तीसरे वाले में कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होता है। ऐसे इस एरिया को बनाया जाता है। अगर आपने बॉलीवुड की एक मूवी देखी होगी काल, काफी सालों पहले अजय देवगन की एक मूवी आई थी, तो वो लोग जब सफारी पे जाते हैं तो उनको मना किया जाता है कोर एरिया में जाने के लिए, लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज उनको भुगतने पड़ते हैं, उस मूवी में ऐसे दिखाया है। तो ये सही बात है, कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड नहीं होती है। यहाँ पे प्रोटेक्शन होता है बायोडाइवर्सिटी का, मिनिमम डिस्टर्बेंस। उसके बाद वाला जो एरिया है वहाँ पे लिमिटेड एक्टिविटीज अलाउ होती है। ये देखिए लिमिटेड एक्टिविटी एजुकेशन या टूरिज्म के रिसर्च के तौर पर जाया जाता है। और जो तीसरा एरिया होता है जहाँ से एंट्रेंस होती है उसके पास का एरिया जो होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर, क्रॉप, फिशिंग, ह्यूमन का सेटलमेंट अलाउ होता है। और इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व को दुनिया में, भारत में नहीं, हर जगह पे। पहले ट्रांजिशन जोन, उसके बाद बफर जोन, उसके बाद में कोर एरिया। कोर एरिया में ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ नहीं है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर भारत में देखेंगे अपन कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है अभी तक, ठीक है, जिसमें से जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना वो यूनेस्को, मैंने आपको बताया था कल पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, एलिना बोकोवा इसकी चेयरमैन है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे फैशन कल्चर की बात होगी हमेशा पेरिस ट्रिक करना है, ठीक है। तो इसका जो ये जो नेटवर्क है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व बेस्ड ऑन द यूनेस्को, तो एक प्रोग्राम है एक यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, उसको MAB बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट, यानी कि इंसान और बायोस्फीयर दोनों को मिला के एक प्रोग्राम बनाया गया है दोनों की भलाई के लिए, बायोस्फीयर का भी और इंसान का भी, ठीक है। बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इथोस्फीयर, लिथोस्फीयर आपने पढ़ा होगा ये सब बचपन में, तो इन सबका कॉम्बिनेशन और इंसान का सबके जहाँ पे जब सबके फायदे का जो होगा वो बायोस्फीयर रिजर्व होगा, जहाँ पे बायोस्फीयर को रिजर्व किया गया है। तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिसमें से 10 बायोस्फीयर रिजर्व अपने यूनेस्को की लिस्ट में है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट में। अब ये सब जो अपने 10 जो अपने बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब आपको याद होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं ये हम पढ़ेंगे। ये देखिए ये वो सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं, काफ़ी बार। अगर 18 बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें ये 10 हैं, और इनको याद करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि इन्हीं के नाम पे आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क भी मिल जाएंगे। जैसे अगर सिमीफाल उड़ीसा में है बायोस्फीयर रिजर्व, तो वहाँ नेशनल पार्क भी है जो कि वो भी उड़ीसा में ही है, तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको अगर आप 18 यहाँ याद कर लेंगे तो आपको नेशनल पार्क याद करने की ज़रूरत नहीं है, 18 वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंक्लूड हो जाएगी, तो आपके लिए बहुत शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए याद करने का कंटेंट जो है। अब देखिए सबसे पहले नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो कि इंडिया ने बनाया था, इंडिया ने जो पहली लिस्ट में जो इंक्लूड हुआ था मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, वो नीलगिरी हुआ था। नीलगिरी पहाड़ियाँ ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन यानी कि तीन स्टेट पे टच होती है, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका।
कई बार पूछ लेते हैं नीलगिरी में कौन से तीन स्टेट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आंध्रा कनेक्टेड नहीं है, तीन नीचे के जो स्टेट है वो कनेक्टेड है, आंध्रा यहाँ पे नहीं है। कई लोगों ने आंध्रा को समझ लेते हैं क्योंकि ये भी साउथ इंडिया का पार्ट है, आंध्रा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में। उसके बाद देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार ठीक है, ये है तमिलनाडु में। मन्नार, जब भी मन्नार नाम आएगा तमिलनाडु याद रखना है, मन्नार कोस्ट होए ठीक है, प्रायद्वीप होए, जो भी होए हमेशा तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में। सुंदरबन बहुत ही फेमस नाम है, सुंदरबन डेल्टा भी है वहाँ पे, सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने पे बनता है, वो सुंदरबन डेल्टा है जो कि वेस्ट बंगाल में, उसी के नाम से सुंदरबन है, बहुत फेमस है। अभी पिछले कुछ सालों पहले एक मूवी भी आई थी टाइगर, बंगाल टाइगर पे बनाई थी सुंदरबन नाम से, तो ये बहुत फेमस है। उसके बाद नंदा देवी, ये उत्तराखंड में है, जब भी देवी का कोई नाम आता है हमेशा उत्तराखंड, देवी देवताओं के लिए उत्तराखंड बहुत फेमस है, तो आप इस चीज से याद रख सकते हैं, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क, जो दोनों में आएगा उत्तराखंड होएगा। नॉकरैक मेघालय, नाम से ही लग रहा है नॉर्थ ईस्ट नाम है, नॉकरैक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय। पंचमणि बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश। सिमीफाल मैंने आपको बताया, उड़ीसा, यहाँ पे आपको मैंग्रोव भी मिलेंगे, वो मैंग्रोव अलग तरह के पेड़ होते हैं जो कि जहाँ पे जमीन और ओशन का कनेक्शन होता है वहाँ पे बनते हैं, सॉल्टी वाटर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैंग्रोव बायोस्फीयर के लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो सिमीफाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में। उसके बाद में अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये वो इम्पोर्टेंट है, अमरकंटक कई बार पूछ लेते हैं ठीक है। छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में कनेक्टेड है, छत्तीसगढ़ और एमपी, छत्तीसगढ़ के एरिया जो आता है वो 2/3 एरिया छत्तीसगढ़ के पास है और एमपी के पास 1/3 एरिया है, यहाँ से नदियाँ भी स्टार्ट होती है कई अमरकंटक से। तो यहाँ पे अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में, तो अगर आप टॉपिंग में दोनों नहीं आके एक नाम आता है तो आप एक टिक कर सकते हैं। उसके बाद में ग्रेट निकोबार, नाम से पता लग रहा है अंडमान निकोबार में। उसके बाद जो लेटेस्ट है जिसके क्वेश्चन में ये आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है वो है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये लेटेस्ट इसको यूनेस्को ने लिस्ट में डाला है, केरला और तमिलनाडु कोस्ट पे ठीक है, 2016 के अंदर ही, ये देखिए लेटेस्ट है ये, 2016 के अंदर इसको ऐड किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आ भी चुका है एक दो तो पेपर में अभी तक कि अगस्तमलाई नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व आपकी जगह कहाँ पे है, केरला तमिलनाडु, तमिलनाडु कर्नाटका, कर्नाटका, ऐसे करके पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि रिसेंटली मैनन बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व ऐड किया गया भारत की तरफ से, तो वो अगस्तमलाई नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखिएगा। दुनिया के अंदर 669 साइट है, 669 साइट है जिसको मैनन बायोस्फीयर प्रोग्राम में डाला गया यूनेस्को ने, 120 कंट्रीज की है, उसमें से भारत की 18 है, 669 में से 18 है ठीक है। 10 तो अभी रिसेंटली डाले गए हैं, लीमा में एक मीटिंग हुई थी, उसमें से 20 नई साइट, माफ कीजिएगा 20 नई साइट तो अभी अभी ऐड करी गई है। और जो भारत की जो दूसरी बायोस्फीयर रिजर्व साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है, वर्ल्ड मैन प्रोग्राम साइट में नहीं है, वो ये वाली है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पिछले वाली यूनेस्को वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये चीज। ये देखिए दिहांग एंड दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, आसानी से याद कर सकते हो, दिहांग दिहांग एंड दिबांग, दिबांग दिहांग दिबांग लोहित, ये सब ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्रा की ठीक है, दिहांग दिबांग लोहित ये सब नाम है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है, तो इसी के नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद रन ऑफ कच्छ है, सभी को पता है बहुत फेमस जगह बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। उसके बाद में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, सुन के अजीब लगता है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन ये हिमाचल में, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है, याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में कैंग टेंगजोंगा ठीक है सिक्किम में। उसके बाद में डिब्रू, डिब्री शिखनोवा आसाम, डिब्रू, डिब्रूगढ़ एक जगह है आसाम में, तो वहीं पर ये सबसे स्मॉलेस्ट
बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आसाम में ही है, जिसका नाम है डिब्रू। डिब्रू से याद कर सकते हैं आप, डिब्रूगढ़ नाम की जगह है आसाम में। उसके बाद में शेष कलाम हिल्स, आंध्र प्रदेश, नाम से पता लग रहा है वहां पे शेषा रिजर्व भी है, ठीक है, डैम भी है इस नाम से, तो आंध्र प्रदेश में है ये। उसके बाद जो पन्ना, मध्य प्रदेश, पन्ना, पंचमणी, ऐसे जो पीसे जो नाम है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो पीसे जो नाम वाले आपको मध्य प्रदेश में याद कर सकते हैं आप। जो लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो है ग्रेट रन ऑफ कच्छ में, बहुत बड़ा है, 12,000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में बना हुआ है। और पहला जो था बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नीलगिरी के टाइम पे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि ट्राई जंक्शन पे, किसके, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, आंध्रा नहीं है, आंध्रा याद रखना ये चीज आपको, तीनों याद करो उससे बढ़िया ये समझ लो कि नीलगिरी में आंध्रा नहीं है, बात खत्म। बाकी तीनों जो स्टेट हैं वो इसमें कनेक्टेड है। ये था अपना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व की आपको मैं एक वर्ल्ड मैप के थ्रू एक फोटो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं स्टेट वाइज, तो अगर आपको मैप के थ्रू एक बार अगर आप रिकग्नाइज कर लो तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा कौन सा कहाँ पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, मैप के थ्रू याद करने से आपके आपके रिकग्नाइजेशन जो कैपेबिलिटीज है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है, तो उसके थ्रू आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ये देखिए सामने नन्ना देवी उत्तराखंड, पहला नॉकरेक मेघालय, मेघालय कहाँ पर है, यहाँ पे, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये रहा मनहास आसाम, डिब्रू, डिब्रू मैंने आपको बताया था, डिब्रू, डिब्रूगढ़ एक जगह है आसाम में, दिहांग एंड दिबांग अरुणाचल प्रदेश, 5वां नंबर ये रहा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मैंने अभी आपको बताया था, इसमें आंध्रा कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर है ये, जहाँ पे कर्नाटका और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों वहां पे मिलती हैं, तो ये यहाँ पर है, तीनों का जहाँ पे कनेक्शन होता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार, अंडमान एंड निकोबार इजीली याद कर सकते हो, सिमीपाल उड़ीसा ये रहा, कंचनजुंगा सिक्किम, पंचमणी एमपी, पीसे नाम वाले मैंने आपको बताए थे, एक ये रहा और ये रहा, दोनों एमपी में, अगस्त्यमलाई लेटेस्ट याद करना है आपको, अगस्त्यमलाई लेटेस्ट नीचे की तरफ, केरला तमिलनाडु पे, अमरकंटक मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों की बॉर्डर पे है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात, ठीक है, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। आंध्रा शीशा मैंने आपको बताया था, शीशा डैम ये आंध्रा, इससे अगर आपको ये मैप याद हो गया तो आपको इजीली सारे बायोस्फीयर रिजर्व याद हो गए, और 18 ये मान लीजिए अगर आपको बायोस्फीयर रिजर्व याद हो गए हैं तो नेशनल पार्क भी याद हो गए हैं और साथ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद हो गई है। बहुत ही आसान है याद करने का तरीका, बायोस्फीयर रिजर्व याद हो गए हैं तो काफी पॉसिबिलिटी है आपको बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के और नेशनल पार्क के भी नाम याद हो गए हैं। अब देखेंगे अपन बायोस्फीयर रिजर्व खत्म करने के बाद में नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल आता ही आता है यहाँ से, सबसे पहले जानेंगे वापस से नेशनल पार्क के बारे में, सबसे पहले जानेंगे नेशनल पार्क के बारे में, कितने नेशनल पार्क हैं, 103 नेशनल पार्क है, 103 नेशनल पार्क है टोटल इंडिया के अंदर, सिस्टम एनिमल स्पेसिफिक होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया वही चीज मैं आपको वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, ये चीज नेशनल पार्क डिक्लेयर करेगा सेंटर, मैनेज करेगा स्टेट, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पे अलाउ नहीं होगी, और 101.2% टोटल इंडिया के सरफेस एरिया, टोटल एरिया इंडिया का जो है, टोटल इंडिया का जो एरिया है उसका 1.2% तो एरिया का नेशनल पार्क है भारत में, कम है लेकिन कई बार पूछ लेते हैं कितना एरिया नेशनल पार्क का कवर है इंडिया में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के, तो ये 1.2% है, ठीक है। अगर अपन अब अपन देखिए स्टेट वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे नेशनल पार्क, जितने भी नेशनल पार्क हैं मैं आपको ऊपर से स्टार्ट करूंगा ऊपर से, ठीक है। ये देखिए यहाँ सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से, उसके बाद में उत्तराखंड, उसके बाद पंजाब, हरियाणा,
बिल्कुल नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, गुजरात, तो अपन पूरे पहले नॉर्थ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे नेशनल पार्क याद करते हुए। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, सारे नेशनल पार्क याद नहीं करेंगे जो कि पेपर में आते हैं, 10 साल के पेपर जितने भी हैं, अगर आप सबको स्टडी करेंगे तो ये चीज़ पता लगेगी आपको कि कई सारे 103 नेशनल पार्क में से आप आधे कर लीजिए वही आपके काम के हैं, बाकी तो काम के भी नहीं है। 50 जो होंगे आपके, इसमें से 20 तो आपने बायोस्फीयर में याद कर लिए हैं, बाकी 5-10 के नाम आपने सुन रखे होंगे, तो ऐसे करके कोई 40-50 ही होंगे जो कि आपके काम के हैं, और वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो आपका जो काम है वो काफी आधा हो गया है, काफी आधा हो गया है। ठीक है, तो आपको टोटल देखेंगे कि कई आपकी मेहनत आधी हो गई है। तो अपन नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए उसके बाद देखेंगे अपन इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, इसके बाद इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, और उसके बाद में अपन देखेंगे आखिरी में अंडमान निकोबार के नेशनल पार्क। इस तरीके से अपन ऊपर से नीचे तरफ याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है, जो कि काफी बार सवालों में पूछा गया है, वो है सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क। देखिए सलीम अली कौन थे? सलीम अली भारत के पहले एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ऑर्निथ्रोपोलॉजिस्ट, माफ कीजिएगा, ऑर्निथ्रो। ठीक है, ये जो ऑर्निथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि बर्ड की स्टडी करते हैं, थरूली जो बर्ड की स्टडी करेंगे उनको अपन बोलेंगे ऑर्निथ्रोपोलॉजिस्ट, और भारत के पहले बर्ड वॉचर थे, फेमस बर्ड वॉचर। ठीक है, सलीम अली, सलीम अली नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं इसको। सलीम अली, मैंने आपको बताया, पहले बर्ड वॉचर थे भारत के, और बहुत फेमस बर्ड वॉचर थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, याद रखना है आपको, कई बार पेपर में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद में डेचिकम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट है वो अपन पढ़ रहे हैं। उसके बाद में डेचिकम नेशनल पार्क, कश्मीरी स्टैग मिलता है यहाँ पे, एकमात्र तो भारत में जगह जहाँ कश्मीरी स्टैग मिलता है वो है डेचिकम नेशनल पार्क, आपके डल लेक के बहुत ही पास में है, मुश्किल से 5 किलोमीटर के पास, 5 किलोमीटर एरिया में है डेचिकम नेशनल पार्क। बहुत ही मामूली सी फीस है और बहुत ही फेमस है डेचिकम नेशनल पार्क। उसके बाद में जम्मू कश्मीर के अंदर जो फेमस है वो हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है अपना इंडिया का, यहाँ तक कि साउथ एशिया का भी, और यहाँ पे मिलेंगे आपको स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो बहुत ही फेमस है ये तीनों नाम, आपको हमेशा याद रखना है, जम्मू कश्मीर में सलीम अली, डेशिगम, और उसके बाद में हेमिस नेशनल पार्क, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद में सेकंड आएंगे अपन हिमाचल प्रदेश पे। देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो सेकंड जो स्टेट आएगा श्रीनगर के बाद में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के बाद में, वो आएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में ग्रेट हिम, ये देखिए हिमाचल, ग्रेट हिमालय, हिमाचल, ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, तो ये तो आपको नाम से पता लग रहा है। स्नो लेपर्ड यहाँ पे मिलेंगे, जहाँ जहाँ पे स्नो है वहाँ पे लेपर्ड जरूर मिलेंगे, स्नो लेपर्ड। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है यूनेस्को की। ठीक है, यूनेस्को ने कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना रखी है, उसमें ये है इंक्लूडेड है। तो कई बार 4 ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, तो ये ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद पिन वैली, देखिए दो नाम है आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पिन वैली और एक साइलेंट वैली, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई बार पेपरों में पूछा गया है और गलत टिक कराया गया है बच्चों ने, कई बार क्वेरीज आती है। तो पिन वैली जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, और साइलेंट वैली है केरला में, ये चीज आपको याद रखनी है, पिन वैली नेशनल पार्क। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली आती है, आपके एक ट्रैकिंग प्लेस है खीर गंगा, उसके आगे जाने के बाद में मांगतलाई, उसके बाद में पिन वैली आती है, तो ये पिन वैली जो है ये वहीं पर ही है, इसके आगे पिन वैली से रास्ता निकलता है आपके रोहतांग पास का, तो ये कहाँ पर है? पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, और साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है वो है केरला में, याद रखना है दोनों को, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है दोनों। ये थी हिमाचल प्रदेश की, दो ही आपको याद करनी है सिर्फ, ग्रेट हिमाचल और पिन वैली। उसके बाद में नीचे जो स्टेट आएगा वो आएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड का देखिए सबसे पहले कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क,
बहुत ही फेमस है, पहला नेशनल पार्क है भारत का, और पहला नेशनल पार्क है जिसने प्रोजेक्ट टाइगर कंजर्वेशन पे काम किया है, पहला नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट बहुत ही फेमस आदमी थे जिनको बुलाया गया था शेरों के लिए, टाइगर के लिए, जब उत्तराखंड में टाइगर काफी हो गए थे और काफी डैमेज हो गया था वहां पे लाइफ का टाइगरों की वजह से। तो अब कॉर्बेट को बुलाया गया था, जिम कॉर्बेट को, उनको टैकल करने के लिए, और उन्होंने टैकल किया भी। उन्हीं के नाम पे रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, याद रखना है आपको, बहुत ही फेमस है और पहला नेशनल पार्क है। उसके बाद में नंदा देवी, देखिए पहले भी बायोस्फीयर रिजर्व में नाम आया था नंदा देवी, मैंने आपको बताया जहाँ देवी देवता का नाम आए वो हमेशा उत्तराखंड, उत्तराखंड आपको मानना है, ठीक है। शॉर्ट में इंडिया वाले लोग उसको यूके भी बोलते हैं, उत्तराखंड। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी एक, पहले भी मैंने आपको बताई थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एक और जम्मू एंड कश्मीर में ग्रेट हिमाचल नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, और नंदा देवी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को की। उसके बाद में दो और उत्तराखंड के जो फेमस है वो है राजा जी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, बहुत ही फेमस है राजा जी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये चार नेशनल पार्क है जो आपको याद करने हैं उत्तराखंड की, जब भी क्वेश्चन आएगा इन चार में से आएगा, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी या वैली ऑफ फ्लावर्स। अगला अगर अपन देखेंगे हरियाणा, उत्तराखंड के लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हरियाणा स्टेट आता है। हरियाणा में सिर्फ एक ही फेमस है नेशनल पार्क है जो है भी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। देखिए बहुत ही आसान है इसको याद करने का, सुल्तान मूवी आई थी अभी सलमान खान की, हरियाणा में उसकी शूटिंग हुई थी। ये देखिए सुल्तान, सलमान खान की मूवी आई थी सुल्तान, ठीक है, वहां से उसकी जो शूटिंग हुई थी वो हरियाणा में हुई है, हरियाणवी ही उन्होंने लैंग्वेज बोली है। तो आसानी से याद कर सकते हैं सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, हरियाणा में, सुल्तान का नाम आता है हरियाणा, बहुत आसान है। उसके बाद राजस्थान, बर्ड वॉचर के लिए या नेशनल पार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान, अगर राजस्थान का पेपर है तो उसमें से पूछना ही पूछना है, और इंडिया लेवल का पेपर है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है, अगर नेशनल पार्क पूछा गया है तो 30 से 40% राजस्थान के नेशनल पार्क पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। पहला देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कि सिर्फ इंडिया में ही मिलता है उसके लिए बहुत फेमस है, ऐसा होता है ये पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आप फोटो में देख रहे हैं ऐसा ही होता है। तो ये जो बर्ड है इसके लिए बहुत फेमस है डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान के अंदर जो डेजर्ट है अरावली के लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पे सिचुएटेड है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। देखिए आपको कभी भी किसी भी नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में डिटेल जानने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि कौन सा पार्क नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व कौन से स्टेट में है, या उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नाम जो कि मैं आपको बता रहा हूँ हाथों हाथी, सिर्फ आपको पेपर से रिलेटेड इतना ही याद करना है, डिटेल में नहीं जाना है कौन सी सिटी के अंदर है, कितने एरिया का है, ठीक है, ये सब याद नहीं करना है आपको। उसके बाद सेकंड देखेंगे अपन मुंद्रुका हिल्स। उसके बाद केलियोदेव, बहुत ही फेमस है केलियोदेव घाना नेशनल पार्क, ये बर्ड वॉचर के लिए पैराडाइज बोलते हैं इसको, यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं कई सारे, इसमें साइबेरियन क्रेन्स बहुत फेमस है, ठीक है, ये बहुत ही दूरी से ट्रैवल करके आते हैं, बहुत दूर से ट्रैवल करके आते हैं केलियोदेव नेशनल पार्क के अंदर, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो कई बार साइबेरियन क्रेन्स के बारे में पूछ लेते हैं कौन से नेशनल पार्क में आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं कहाँ पर है ये केलियोदेव घाना कहाँ पर है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सरिस्का और रणथंबोर, दोनों टाइगर के लिए बहुत फेमस है, दोनों ही सरिस्का और रणथंबोर नेशनल पार्क, काफी बार यहाँ पे गांधी परिवार भी विजिट करने हर साल में एक दो बार आते हैं, उसके लिए भी न्यूज में काफी हाईलाइट होता ही है, फोटो आती है इसकी, रणथंबोर की और सरिस्का की, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है टाइगर के विजिटिंग के लिए, टाइगर के देखने के लिए, वॉच करने के लिए। तो ये जो पांच नाम है आपको राजस्थान के लिए याद करने पड़े हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क, मुंदुरका, कोलियदेव, रणथंबोर, सरिस्का। अगला देखेंगे यूपी, यूपी में सिर्फ आपको एक ही नाम याद रखना है दुधवा। देखिए यूपी है ना मिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करता है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है मिल्क का इंडिया में, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है मिल्क का। तो मिल्क से देखिए दूध, तो यूपी से रिलेट कर सकते हो आप मिल्क, देखिए दूध का सबसे ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन करता है यूपी, 17% टोटल प्रोडक्शन यूपी का मिल्क, इंडिया के प्रोडक्शन में यूपी का होता है,
उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद में बाकी स्टेट आते हैं। राजस्थान 11% कंपेयर होता है। तो दूध सबसे ज्यादा यूपी से आता है, इसलिए यहाँ देखिए नेशनल पार्क का नाम दुधुआ नेशनल पार्क, आप आसानी से याद कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद देखेंगे बिहार में, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि ने अपने जीवन के कई सारे साल बिहार में निकाले हैं, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। वेस्ट बंगाल, सुंदरबन नेशनल पार्क, मैंने आपको पहले ही बताया था सुंदरबन डेल्टा बनता है वहां पे, जब अपन बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे थे तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद हो गया था, तो यहाँ पे भी इजीली याद हो जाएगा कि सुंदरबन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर के लिए बहुत फेमस है, डेल्टा के लिए बहुत फेमस है, मैंग्रोव्स के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद एक और होता है बुक्सा नेशनल पार्क, कई बार पूछा जाता है बुक्सा भी, ये भी नाम सुन के लगता नहीं है वेस्ट बंगाल में होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल में है बुक्सा नेशनल पार्क। तो वेस्ट बंगाल में आपको दो ही नाम याद करने हैं, सुंदरबन और बुक्सा। उसके बाद झारखंड देखेंगे, बेटला नेशनल पार्क, झारखंड का बेटला, ठीक है, झारखंड बेटला नेशनल पार्क आपको याद करना पड़ेगा, झारखंड का भी एक ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेटला नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के दो नाम आपको याद करने, सिर्फ गुरु घासीदास और इंद्रावती, कई बार पेपर में पूछते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन सिर्फ वही नेशनल पार्क याद कर रहे हैं जो कि पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, या आपका जो आने वाला पेपर है वो भी इसी से रिलेट करेगा। आप देख लीजिएगा, कोई भी नेशनल पार्क आएगा इन्हीं में से आएगा, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, हिमाचल, ये सारे स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको नेशनल पार्क के लिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए आपको याद करना है गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है, दो नेशनल पार्क। उसके बाद एमपी, एमपी देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि एमपी के अंदर, एमपी और अंडमान निकोबार, ये दो ऐसे हैं जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा, अंडमान एंड निकोबार सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, नौ, दोनों में नौ नौ नेशनल पार्क है। अगर अपन जो याद करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एमपी में देखेंगे, चार नेशनल पार्क, ठीक है, तो अपन जो याद करेंगे वो सिर्फ चार नेशनल पार्क याद करेंगे, एक, दो, तीन और चार। एमपी के अंदर टोटल नौ में से बांधवगढ़ टाइगर के लिए बहुत फेमस है, पिछले साल आईएएस के अंदर क्वेश्चन आया था ये, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है, एमपी के अंदर है। कान्हा नेशनल पार्क, ये भी एमपी के में है। पंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, ये भी एमपी में, और वन विहार, ये भी एमपी में। तो ये चार नाम आपको याद करने हैं, ठीक है, आप चाहो तो एमपी को बीएचकेवी नाम से भी याद कर सकते हो, बीएचपीवी, बांधवगढ़, कान्हा, प्रियदर्शनी, वन विहार, ये सारे के सारे चार नेशनल पार्क आपको याद करने हैं, पांचवा नहीं आएगा पेपर में इनके अलावा। उसके बाद में देखेंगे गुजरात, गुजरात में देखिए ब्लैक बग, देखिए ब्लैक बग में लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि ब्लैक बग जो केस है सलमान खान का, वो जो केस है वो राजस्थान का केस है, लेकिन जो नेशनल पार्क जो है ब्लैक बग नेशनल पार्क, जिससे इस केस में रिसेंटली अभी अभी हाई कोर्ट ने सलमान खान को एक्वाइटल किया है, बरी किया है इस केस से, ठीक है, अब राजस्थान गवर्नमेंट जा रही है सुप्रीम कोर्ट में उस वर्डिक्ट के अगेंस्ट। तो ये जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है, ये ब्लैक बक जो है ये केस तो चल रहा है राजस्थान में, लेकिन ये जो नेशनल पार्क है आपको याद करना है, ये गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है, ब्लैक बक ये गुजरात में है। उसके बाद में बहुत ही फेमस गिर नेशनल पार्क, सभी को पता है, एशियाटिक लायन के लिए बहुत फेमस है, एशियाटिक लायन दुनिया में कहीं पर मिलते थे तो भारत में कहीं पर मिलते थे, एशिया में ये मान लीजिए, तो वो गिर फॉरेस्ट में मिलते थे, अभी कुछ टाइम पहले इनको शिफ्ट किया गया है एमपी में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहां से इनको एमपी में शिफ्ट किया जाए, कूना, कूना नाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पे शिफ्ट किया जाए, माफ कीजिए कैन नाम है उसका, कैन वहां पे शिफ्ट करना है इसको। तो अभी तक देखेंगे कि जो गिर में एशियाटिक लायन जो मिलते थे सिर्फ गिर में मिलते थे, बहुत फेमस है। उसके बाद में मरीन नेशनल पार्क, रण ऑफ कच्छ में, रण ऑफ कच्छ मैंने आपको पहले पढ़ाया था गुजरात में, जब आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे थे, तो रण ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। उसके बाद देखेंगे महाराष्ट्र के पंच नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी, मैंने अभी आपको बताया था एमपी के अंदर आपको पांच, चार या पांच याद करने थे, उसमें से पंच था, ठीक है, चार याद करने थे नाम से, उसमें से पंच था। तो पंच जो है नेशनल पार्क, ये दोनों स्टेट में आता है, एमपी में भी और महाराष्ट्र में भी, ठीक है, तो आपको दोनों में से जो भी ऑप्शन है उसको टिक करना है हमेशा। महाराष्ट्र में एक और है संजीव गांधी, संजय गांधी नेशनल पार्क, जिसको अपन कानेरी केव्स बोलते हैं, बहुत ही फेमस है कानेरी केव्स,
ठीक है फ्रेंड्स, तो संजय गांधी कानेरी गेम्स एक ही नाम है और साथ में पंच, दो नाम याद करने, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा में देखेंगे आप भितरकनिका नेशनल पार्क मैंग्रोव के लिए बहुत फेमस है, और सिमीफाल नेशनल पार्क, सिमीफाल आपको नाम पहले भी आ चुका है बायोस्फीयर रिजर्व में, पहले भी नाम आ चुका है ये नाम बायोस्फीयर रिजर्व के टाइम पे, मैंने आपको बताया था कि फिर से आएगा नेशनल पार्क के टाइम पे। तो भितरकनिका और साथ में सिमीफाल दोनों उड़ीसा में बहुत फेमस है, याद रखना है। आंध्रा, आंध्र प्रदेश में फेमस कौन सा है, वेंकटेश्वर, देखिए नाम से ही पता लग रहा है वेंकटेश, वेंकटेश नाम बहुत कॉमन है आंध्रा में, इसलिए ये आंध्र प्रदेश में ये नेशनल पार्क, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे गोवा, गोवा में बड़ा ही जो आपको कंफ्यूज करता है बच्चों को, ये करता है कि गोवा जैसी जगह पर महावीर नेशनल पार्क नहीं हो सकता, लेकिन सच यही है कि भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है वो गोवा में ही है, मोलन बोलते हैं इसको, मोलन नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है, गोवा में। कई बार पूछते हैं कन्फ्यूज करने के लिए बच्चों को, क्योंकि जिन्होंने पढ़ा होगा सुना होगा उन्हीं को पता होगा सिर्फ महावीर नेशनल पार्क कहाँ पर है। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका के तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर पिछले एक या दो साल पहले आया एस एस सी में, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका में, कुद्रमुख नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल बोलते हैं इसको, ये तीनों नाम बहुत फेमस है कर्नाटका के, तो इसको आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटका के आपको तीन ही नाम याद करने हैं सिर्फ, बांदीपुर, कुद्रमुख और राजीव गांधी, इसको नागरहोल भी बोलते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, कई बार नागरहोल भी पूछ लेते हैं सिर्फ, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। वैसे तो अभी गांधी पे सिर्फ गांधी सरनेम के ऊपर नेशनल पार्क नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आपको याद रखना है कि अभी अभी एक नेशनल पार्क गया है संजय गांधी, संजय गांधी है महाराष्ट्र में, राजीव गांधी है कर्नाटका में, वैसे इंदिरा गांधी भी आएगा अभी एक, ठीक है, इंदिरा गांधी आएगा तमिलनाडु में, आपको याद करना है संजय गांधी महाराष्ट्र में, राजीव गांधी जिसको नागरहोल भी बोलते हैं कर्नाटका में, और इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, तीनों ही साउथ में नाम है और तीनों ही साउथ में है नेशनल पार्क। उसके बाद केरला, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो नेशनल पार्क केरला के, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार रिवर पे है ये, पेरियार रिवर भी है वहां पे, पेरियार डैम भी है, पेरियार डैम है, पेरियार रिवर है, पेरियार नेशनल पार्क है, ऐसा कुछ भी नाम आता है तो आपको याद करना है कि कहाँ पर है पेरियार, केरला में। साइलेंट वैली मैंने आपको बताया था शुरू में, पिन वैली और साइलेंट वैली में अंतर क्या है, तो साइलेंट वैली जो है वो केरला में, बहुत इंपॉर्टेंट। लायन टेल मकायू, ऐसे दिखते हैं ये लायन टेल, बंदर है, बंदर की एक प्रजाति है, ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, साइलेंट वैली में मिलेंगे, बहुत ही फेमस नाम है, बहुत ही ये भी पूछ लेते हैं इस नाम से भी क्वेश्चन। उसके बाद तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार, मैंने आपको बताया था मन्नार कोस्ट शुरू में बायोस्फीयर रिजर्व के टाइम पे, कहाँ पर, तमिलनाडु में, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, अन्ना इंदिरा गांधी कभी नहीं पूछते हैं, अन्नामलाई पूछते हैं, अन्नामलाई नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में, जिसको दूसरा नाम इंदिरा गांधी भी है। उसके बाद सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट पर जाइए, देखिए अभी तक मैंने जो आपके स्टेट कवर किए हैं वो सारे उत्तर से दक्षिण की तरफ करें सारे के सारे, अब आएंगे अपन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, कई सारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है सिक्किम, सिक्किम अगर अपन बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगा सिक्किम, तो सिक्किम में कंचनजुंगा नेशनल पार्क है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंचनजुंगा, कंचनजुंगा एक अपनी शाखा, कंचनजुंगा पॉइंट भी है, दुनिया का सेकंड, इंडिया का सबसे बड़ा जो पीक है वो कंचनजुंगा ही है, ठीक है, तो ये जो है कंचनजुंगा भारत का सबसे बड़ा जो पीक भी है ये सिक्किम में है और नेशनल पार्क भी सिक्किम में ही है, आसानी से याद कर सकते हो। आसाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आसाम में से काजीरंगा नेशनल पार्क, देखिए कंफ्यूज नहीं होता है कंचनजुंगा में और काजीरंगा में, रंगा जब भी बात आएगी आसाम में होएगा, रंगा ये फेमस इस साल इसलिए है और आने की पॉसिबिलिटी काजीरंगा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहला हॉस्पिटल बनाया गया है एलिफेंट के लिए, ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि पहला एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ बनाया गया है, आसाम में बनाया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क के वहाँ बनाया गया है, तो काजीरंगा ही पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। उसके बाद मन्हास नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, शुरू में बताया था मैंने आपको डिब्रूगढ़ से, मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के टाइम पे बताया था आसाम में, देखिए कई सारे नाम आपके बायोस्फीयर रिजर्व वाले कॉमन हो रहे हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अगला देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मौलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस है, ठीक है, अब अपन आ रहे हैं, जब अपन ने बीच में सेंटर पढ़ लिया,
सिक्किम के बारे में जब अपन ने पढ़ लिया है, तो जब नॉर्थ ईस्ट में अगर अपन ऐसा मैप बनता है, सबसे पहले यहाँ पे सिक्किम, अपन ने पढ़ा सिक्किम के बारे में, कंचनजुंगा फेमस। उसके बाद में बीच में आता है आसाम, आसाम के पढ़े अपन ने, दो इम्पोर्टेंट नाम आसाम के पढ़े अपन ने, तीन इम्पोर्टेंट नाम, काजीरंगा, मनास और डिब्रू। ठीक है, काजीरंगा, मनास और डिब्रू। तो उसके बाद में अपन देखेंगे, अगर ऐसा अपना नेशनल, माफ कीजिएगा, ये अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का मैप है, तो यहाँ पे आसाम है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय, ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने देखा आसाम का, अब अपन देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट में अपन ऐसे घूमते हुए पढ़ेंगे सारे के सारे नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा होगा? मौलिंग नेशनल पार्क, जिसके लिए फेमस है फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए। ये फ्लाइंग स्क्वायरल होती है आपकी गिलहरी, गिलहरी को बोलते हैं। कई बार पूछ लेते हैं फ्लाइंग स्क्वायरल और रेड पांडा, इनके लिए फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये मौलिंग नेशनल पार्क है, याद रखना है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के लिए कौन सा फेमस है? इतंकी नेशनल पार्क। इतंकी याद रखिएगा, बहुत ही अलग नाम है, इतंकी नेशनल पार्क कहाँ है? नागालैंड में। उसके बाद मणिपुर, ठीक है, उसके बाद मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर आता है इंडिया के मैप में, इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर। तो मणिपुर का एक ही फेमस है, कैंपुल लैमजो, कैंपुल लैमजो नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो कैंपुल लैमजो नेशनल पार्क है, मणिपुर में है ये, और ये लोहतक लेक पे है। ठीक है, लोहतक लेक भी पूछ लेते हैं कहाँ पर है गए, लोहतक लेक पे कौन सा नेशनल पार्क बना हुआ है, मणिपुर में कौन सी लेक है, कई सारे सवाल बन जाते हैं इससे। तो ये सारे का आंसर है मणिपुर, याद रखना है। मणिपुर के नीचे त्रिपुरा, यहाँ पे है क्लाउडेड, क्लाउडेड लेपर्ड, इसके क्लाउड के जैसे ऊपर स्पॉट्स बने हुए हैं, इसलिए बोलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस है त्रिपुरा का, क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, अगला देखेंगे अंडमान निकोबार। नॉर्थ ईस्ट खत्म हो गया है, नॉर्थ ईस्ट पे अपन ने सारा देख लिया है, पहले अरुणाचल से स्टार्ट किया था अपन ने, पहले सिक्किम देखा, उसके बाद जैसे अगर ये मैप है तो सिक्किम, अरुणाचल, आसाम पढ़ा, फिर अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। अब देखेंगे अपन खत्म होने के बाद में अंडमान निकोबार। मैंने आपको बताया एमपी और अंडमान निकोबार यहाँ पे नेशनल सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, नौ नौ दोनों के अपन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़े एमपी के, अब पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले झांसी की रानी है, नाम बहुत फेमस है, झांसी की रानी जब भी नाम आए तो अंडमान निकोबार नेशनल पार्क लगाना है। हालांकि कंफ्यूजन होता है, रानी झांसी लगा देते हैं लोग एमपी यूपी में लगा देते हैं, लेकिन ये जो नेशनल पार्क बना हुआ है वो बना हुआ है अंडमान निकोबार में। उसके बाद में साउथ बटन नेशनल पार्क, देखिए साउथ बटन नेशनल पार्क सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का, दो नाम कई बार पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, मैंने आपको बताया था शुरू में भी, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट था अपना हेमिस, जो कि था जम्मू एंड कश्मीर में, और सबसे छोटा कौन सा है? साउथ बटन, कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। यहाँ पे ब्लू व्हेल और डॉल्फिन के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि ओशन में, बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में देखिए अगर इतना बड़े ओशन में अगर आपको मिलेगी तो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मिल सकती है, तो ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है इसलिए, सबसे छोटा भी है। उसके बाद सैडल नेशनल पार्क, उसके बाद महात्मा गांधी नेशनल पार्क, देखिए बहुत फेमस नाम है, गांधी नाम देखिए, महात्मा गांधी नाम पूछ सकते हैं, बाकी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ये नहीं पूछे, हो सकता है, लेकिन महात्मा गांधी नेशनल पार्क पूछ लेते हैं, और कई लोग गुजरात समझ लेते हैं इसको, लेकिन अंडमान निकोबार में। तो ये याद, चारों नाम याद रखने हैं आपको, रानी झांसी, साउथ बटन, सैडल और महात्मा गांधी। सैडल देखिए, सैडल पीक है, जब आप अंडमान निकोबार पढ़ोगे तो तीन पार्ट्स में पढ़ते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान जो है वहां पर है सैडल पीक, अंडमान की सबसे बड़ी जो पीक है वो सैडल पीक है, तो यहीं पर ही है ये नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क है वो यहीं पर ही है सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान में। तो कई बार पूछ लेते हैं नॉर्थ अंडमान में कौन सा पीक है, सैडल पीक है, कौन सा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में, नॉर्थ में, साउथ में, मिडिल में।
तो आपको याद रखना है कि सैडल जो पीक है वो नॉर्थ अंडमान में है, और जो उसकी कैपिटल अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर वो साउथ अंडमान में है, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे, अंडमान में। ये देखिए मैप, अगर आप मैप से याद कर लेंगे एक बार, जैसे कि मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया था, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक बार रिवाइज करिए, पूरा वीडियो देखने के बाद में आपके 70% क्लियर हो जाएंगे। पेपर में दिक्कत ही नहीं आएगी, चार ऑप्शन में से एक इजीली पिक कर लेंगे आप। कंचनजुंगा देखिए असम, सॉरी माफ कीजिएगा सिक्किम, असम में काजीरंगा, ठीक है। केलफुन लैब जो मणिपुर, मैंने आपको बताया अभी फ्लोटिंग नेशनल पार्क। देखिए ऊपर से स्टार्ट कीजिए, एमए सबसे बड़ा इंडिया का, बिगेस्ट जम्मू कश्मीर में, ग्रेट हिमालय हिमाचल से नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दुनिया की हेरिटेज में भी आता है इसका नाम। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सरिस्का डेजर्ट रणथंभौर राजस्थान, देखिए गुजरात की रन ऑफ कच्छ गिर, ये सारे फेमस फेमस नाम, वन विहार पंच बांधवगढ़, सारे के सारे एमपी के अंदर, मैंने आपको बताया था। संजय गांधी छत्तीसगढ़, कान्हा, उसके बाद में सारे के सारे फेमस नाम है, देखिए आप यहाँ पे, ओके। साइलेंट वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मैप गलत बना हुआ है, केरला में आएगा साइलेंट वैली। बांदीपुर कर्नाटका, नागर होल बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए बटन आपका साउथ बटन, सैडल पीक नॉर्थ में है, नॉर्थ अंडमान में बटन, साउथ बटन साउथ में है। तो ऐसे अगर आप इनको याद कर लेंगे, जो जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं वही वही देखने हैं आपको सिर्फ इस मैप में, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तीसरा टॉपिक जो अपन देखेंगे, अब देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी तक अपन ने सबसे पहले पढ़ा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, उसके बाद में अपन ने पढ़ा नेशनल पार्क के बारे में, अब अपन पढ़ेंगे तीसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। सबसे पहले वही डिफरेंस जो मैंने शुरू में आपको बताया था, एनिमल बर्ड स्पेसिफिक है, स्टेट इसको बना सकता है और स्टेट ही संभालता है, और थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटीज इसमें अलाउ होती है। टोटल इंडिया में 515 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितनी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ लेते हैं कई बार। सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ हैं, अंडमान निकोबार में 96 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी कौन सी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर है। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपके डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, वहाँ पे के लिए बहुत फेमस है इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। लेकिन जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे कई बार आते हैं, उसके लिए वो नेशनल पार्क फेमस है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो महाराष्ट्र में है, वो राजस्थान में नहीं है, महाराष्ट्र, याद रखना है। अब अपन देखेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए मैप में कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताई है, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखनी है, आपको सिर्फ वो याद करनी है जो जो अपन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारी तो अपन ऑलरेडी नाम याद कर चुके हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से है, नेशनल पार्क के नाम से है, और जो इंपॉर्टेंट है वो ये सब है सिर्फ, थोड़ी बहुत पढ़ेंगे सिर्फ। बारेन आइलैंड, देखिए बारेन आइलैंड कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में, बारेन आइलैंड जिसको जो एक्टिव जो अपना एकमात्र भारत का जो एक्टिव वॉल्केनो जो है ना, उसका नाम है बारेन आइलैंड, एकमात्र ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है भारत का बारेन आइलैंड में, इसीलिए वहां पे बारेन आइलैंड कहां पर है, अंडमान निकोबार में, दो क्वेश्चन बन गए। देखिए नागार्जुना सागर डैम भी है, नाम से पता लग रहा है आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ये सिरसा भी मैंने आपको बोला था, सिरसा डैम नाम भी है, तो वही जो आप मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ाया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पढ़ाया, वही वापस से नेशनल पार्क में पढ़ाया, वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गया। पुलिकट लेक मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आंध्र में, ठीक है। इसके बाद गौतम बुद्धा बिहार में जन्मे थे इसलिए बिहार में। सलीम अली बर्ड सेंचुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया। देखिए सलीम अली नेशनल पार्क जो है वो तो है, नेशनल पार्क जो है इससे रिलेटेड वो तो अपना था जम्मू कश्मीर में, सलीम अली जिसको सिटी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, पहले बर्ड वॉचर भारत के। लेकिन बर्ड सेंचुरी जो है वो गोवा में, कंफ्यूज नहीं होना है इस चीज को लेके, दोनों एक जगह पे नहीं है। ग्रेट इंडियन वाइल्ड लाइफ गुजरात में बहुत फेमस है, ठीक है। जब अपन ने गुजरात के नेशनल पार्क पढ़े थे शुरू में, तब यहाँ पे अपन ने पढ़ा था ब्लैक बग, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है।
ब्लैक बक के यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में मिलते हैं, तो यहाँ पे ये मिलते हैं, इसीलिए एक सेंचुरी भी बनाई है, इसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाई हुई है जो कि गुजरात में ही है। पोंग डैम देखेंगे आप, पोंग डैम सारे आसान करना बहुत आसान है, ये सब जो नाम है याद करना आते तो आपको ऑलरेडी हो चुके हैं। पोंग डैम देखिए, पोंग जो डैम बना हुआ है वो आपकी ब्यास नदी पे बना हुआ है, ब्यास नदी पे बना हुआ है। तो ये कहाँ पर है ब्यास नदी? हिमाचल प्रदेश में है। जब आप मनाली जाएंगे तो आपको रास्ते में दिखेगी आपको साइड में आपके, तो ब्यास डैम भी बोलते हैं इसको, इसीलिए पौंग आते ही नाम आपको हिमाचल प्रदेश इजिली टिक हो जाए। बालटाल पेपर में बहुत आता है बालटाल का नाम, बालटाल पे काफी इश्यूज होते हैं, अमरनाथ यात्रा जब जाती है वो यहीं से होके जाती है, एक रूट ये भी है। तो बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर में, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर्नाटका, ये याद करना पड़ेगा आपको, भादरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगला देखिए कावेरी, कावेरी कर्नाटका से जाती है, तो इसलिए कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? कर्नाटका में। इदुकी, इदुकी एक डैम भी है, इदुकी नाम से एक डैम भी है, रिवर भी है, और कहाँ पर है? केरला में है। इसीलिए देखो इदुकी नाम से ही आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन गई है, और ये कहाँ है? केरला में। केन घड़ियाल सेंचुरी, केन ये बहुत फेमस थी अभी पिछले 1 साल से, इसका नाम बहुत फेमस उछला है, कैन का आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। कैन घड़ियाल सेंचुरी कहाँ पर है? कैन सेंचुरी कहाँ पर है? तो आप देखेंगे कैन जो सेंचुरी जो है ना, ये इसलिए फेमस है क्योंकि एशियाटिक लायन जो है ना गुजरात से शिफ्ट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो कैन में ही दिया है, कैन सेंचुरी ले जाने के लिए दिया है, इसीलिए ये फेमस हो जाती है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यानी कि कुछ अगर कुछ एशियाटिक लायन चले गए एमपी, तो गुजरात और एमपी दो जगह ऐसी हो जाएगी जहां पे एशियाटिक लायन मिलते हैं, जहां पे पहले सिर्फ गुजरात की मोनोपोली थी। कई बार मोदी जी बोल चुके हैं नहीं गुजरात में रहनी चाहिए, गुजरात के लिए एशियाटिक लायन बहुत बढ़िया है, लेकिन वहां पे उनके सर्वाइव को लेके कुछ इश्यूज उठ गए थे, इसीलिए एमपी ने मांगे हैं वहां से एशियाटिक लायन, इसलिए बहुत फेमस हो जाती है कैन सेंचुरी। कोयना महाराष्ट्र में है, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर सबसे बड़ी जो है महाराष्ट्र में, फिर पहले पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। माउंट आबू राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसीलिए वहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और राजस्थान इसका नाम राजस्थान में ही है। डारन, डारन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और घड़ियाल, देखिए घड़ियाल बहुत फेमस सेंचुरी है, सिर्फ घड़ियाल के लिए, घड़ियाल जो होता है घड़ियाल के लिए बनाई गई ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसीलिए बहुत फेमस है। कई बार पूछ लेते हैं एनिमल स्पेसिफिक है ये, इसलिए पूछ लेते हैं कहाँ पर है। राजस्थान केला देवी नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, राजस्थान की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बहुत फेमस है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें केला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। तल चपर कहाँ पर है? तल चपर ये भी पेपर में पूछा गया है, राजस्थान के कई पेपरों में आ चुका है, तल चपर कहाँ पर है? तो ये भी राजस्थान में। केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में, देखिए तेलंगाना अभी तक नाम सिर्फ एक बार आया है, तो इसलिए पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, क्योंकि तेलंगाना का जो आखिरी स्टेट है जो गठन हुआ है जिसका, ठीक है, तो तेलंगाना के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका नाम है केवल। तेलंगाना आंध्रा यहाँ के जो पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ में इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकाधि दो ही नाम है जहाँ पे इनका नाम आ रहा है। बुक्सा नेशनल पार्क में आपको पढ़ा चुका हूँ, बुक्सा टाइगर रिजर्व भी है, दोनों वेस्ट बंगाल में है। नैना देवी मैंने आपको पहले बताया था, बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क दोनों के टाइम पे, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क के टाइम पे देवी का नाम आया तो उत्तराखंड हो गया है। चंद्रा प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है, चंद्रा प्रभा, और हजारीबाग ये नाम बहुत फेमस है, हजारीबाग यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये हजारीबाग कहाँ पर है? झारखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको याद करनी है, अगर आप शुरू से इस वीडियो को देखेंगे एक या दो बार तो आपको, मैं उम्मीद करता हूँ सारी की सारी आपको याद हो जाएगी। ये जो था मैंने आपको शुरू में बताया था बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर आप पढ़ लेंगे वैसे ही तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत ही फायदा होगा, और जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेंचुरीज है वाइल्ड लाइफ जो आपके नेशनल पार्क है वही अपन ने कवर करें, पेपर में आने वाले ही कवर करें, तो उम्मीद करते हैं आपके पेपर में ये सब बहुत काम आएंगे, और एक या दो बार अगर आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सो फ्रेंड्स टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।